बीच भाषण के लिए मैं दिलीप सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आकर अपना भाषण दें। मैं बहुत ही सहज और सामान्य बातें दक्षिणी के विषय में कहूंगा आपसे। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक कहूंगा, तभी वो यथार्थ सामने आएंगे जो भ्रम की तरह प्रोफेसर चौधरी जैसे लोगों के मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते हैं। इस सच्चाई से और भारतीय भाषा संदर्भ के यथार्थ से कोई भ्रांति हमारे मन में नहीं है कि हम सामासिक संस्कृति में विश्वास करने वाले समुदाय हैं, सारे भाषा समुदाय। हम बहुवचनता में विश्वास करने वाले हैं, सारे भाषाई समुदाय। हम अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट को स्वीकार नहीं करते, हिंदी की छतरी के नीचे भारतीय भाषाएं नहीं है ये कहते ही किसी भी भाषा के साथ जिसे आप छतरी बनाते हैं, भाषाएं नहीं कही थी हिंदी को भी, हिंदी को भी भारतीय भाषाएं नहीं, हिंदी की छत के नीचे बोलियां नहीं है, बोलियों का अपना अस्तित्व है, सबका अपना अलग अस्तित्व है। इसलिए नानी कहा, इसलिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इसके विरोध में आया, उसे सुन ले। हेलीडे का कॉन्सेप्ट है, प्रेशर कुकर कॉन्सेप्ट। सारी दुनिया में कुछ भाषाएं हैं, उन भाषाओं के रूप हैं, कोई किसी के नीचे नहीं है, सब एक साथ एक समाज में एक समय में पलती बढ़ती हैं। इसका स्वाद उसमें, उसका स्वाद उसमें आता है। जिसका स्वाद ज्यादा आता है उसे आप यह कह सकते हैं कि यह मूल भाषा है। पिजिन की पूरी संकल्पना इसी पर आधारित है, जहां भाषा अवमिश्रण को महत्व दिया गया है एक भाषा को प्रमुख मानते हुए। आप कभी भी हिंदी की विकास यात्रा से आंख नहीं चुरा सकते। दक्षिणी उर्दू है कि दक्षिणी हिंदी है, यह बहस का मुद्दा ही नहीं है। ये फिर मैं कहता हूं भाषाई यथार्थ है कि हिंदवी, हिंदी, दक्षिणी, उर्दू एक ही भाषा के मुख्तलिफ नाम हैं, समय समय पर इन्हें नाम दिए गए। और यह स्वीकार्य है, मुझे अफसोस है कि दक्षिणी हिंदी नाम की जो सबसे पुरानी हिंदी में मैं पुस्तक समझता हूं, पांचाल जी अगर कोई त्रुटि हो तो उसे दुरुस्त करेंगे, 1945 में हिंदुस्तानी एकेडमी में बाबूराम सक्सेना के 3 व्याख्यान हुए, 1952 में हिंदुस्तानी एकेडमी ने उन्हें प्रकाशित किया दक्षिणी हिंदी नाम से, और उसकी बहुत छोटी सी एक भूमिका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखी। कई बार हम लोग, नाम नहीं लेना चाहिए फिर भी मैं लूंगा, राहुल सांकृत्यायन की दक्षिणी काव्यधारा
श्री राम शर्मा की कुछ पुस्तकें। हमारे सामने बैठे हैं कुंज मेहतर जी, इनकी किताब है। इनके आलोक में हम बाबूराम सक्सेना वाली किताब को कहीं भूल से जाते हैं। बहुत ज्यादा उल्लेख उनका नहीं होता, जबकि उसके तीन खंड हैं। एक जो इतिहास को बताता है, एक जो उसके उसकी उसकी भाषा का विवरण देता है, उसके ग्रामर का विवरण देता है बहुत संक्षिप्त, और तीसरा उसकी जो साहित्यिक परंपरा है अगर उसे हम दक्षिणी साहित्य का या भाषा का इतिहास कहें, उसकी जानकारी देता है कि ये कितने क्रमों में ये इतिहास देखा जा सकता है। सबने ये माना कि हिंदवी से इसके विकास को रेखांकित किया जा सकता है, जो कि ऐतिहासिक क्रम में शासकों के साथ उत्तर से दक्षिण की यात्रा करती है इत्यादि इत्यादि। बड़ी बात यह है कि हिंदवी से उत्तर में खड़ी बोली भी विकसित होती है, और उर्दू का एक बड़ा ही फारसी निष्ठ साहित्यिक रूप भी विकसित होता है। और जिस समय दक्षिण में दक्षिणी विकसित हो रही है, उस समय उत्तर में फारसी निष्ठ भाषा बन रही है। ये एक बहुत बड़ा सच है कि दक्षिण में दक्षिणी हिंदी कहिए उर्दू कहिए, उस भाषा रूप ने अपना एक अलग स्वरूप निर्मित किया और अपने को शासन की जो भाषा थी उससे अलग रखा और जन भाषाओं की ओर मुड़ी। दूसरी जो सच्चाई और जो बहुत ही प्रेरक है इस भाषा की जो सच्चाई, वो ये है कि ये भाषा जनता की आम फहम भाषा थी। बार बार ये कहा गया है कि ये संतों के माध्यम से, फकीरों के माध्यम से, सिपाहियों के माध्यम से आई, और उसके बाद ये सामंतों की, एलीट की साहित्यिक अभिव्यक्ति की भी भाषा बनी। ये एक 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 ऐसा अलग सा स्वरूप है जो और रूपों में दिखाई नहीं देता, और इसे बोलचाल की और साहित्यिक रूप में जो प्रचलन हुआ उसमें मानकीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बाकी रूपों का यह दुर्भाग्य रहा, हिंदी को इतना संस्कृताइज्ड कर दिया गया कि आम लोगों की समझ के बाहर हो गई, या अलंकारों, प्रतीकों आदि से इतना बोझिल कर दिया गया कि उसे बिना काव्य शास्त्रीय ज्ञान के समझना मुश्किल हो गया। उर्दू के साथ भी यही हुआ, लेकिन एक ऐसी भाषा की धारा जो अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति में भी आम जन को, आम प्रयोक्ता को दक्षिणी के बोलने वाले समुदाय को सामने रखती है, तीसरी बात। और इस पर मैं समझता हूं काफी कम हम लोगों ने बात की है, दक्षिणी का जो व्याकरण है, कभी हम केवल शब्दों तक अपने को सीमित कर देते हैं,
कभी थोड़ी सी वाक्य संरचनाओं तक। एक काम मैं यहाँ आपके सामने, क्योंकि हमारे छात्र अध्यापक भी हमारे सामने हैं, एक विद्यार्थी जापानी जिसने दक्षिणी भाषा का व्याकरण तैयार किया, उनका नाम मैं, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, हैदराबाद में बैठकर श्री राम शर्मा जी ने उनके व्याकरण की छोटी सी भूमिका लिखी। अकेला वो ऐसा व्याकरण है दक्षिणी का जो एक दृष्टि से पूर्ण कहा जा सकता है। यह आप हम सब जानते हैं कि किसी भाषा के व्याकरण में जो कारकीय व्यवस्था होती है, जो क्रिया को भी प्रभावित करती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस कारक पर भी उन जापानी विद्वान ने काफी प्रकाश डाला है और उससे जो दक्षिणी का स्वरूप हमारे सामने आता है वो उस स्वरूप से कतई भिन्न है जो खुसरो की हिंदी का है। और ये आप ध्यान दें, और बहुत ये कटु यथार्थ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो के बाद एक लंबी छलांग ली जाती है सीधे गंग या उसके बाद मध्यकालीन कवियों पर आ जाते हैं, उस कड़ी को दक्षिणी जोड़ती है। मैं ये भी आपसे कहूं कि इस छूटी हुई कड़ी को मैं अधिकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर सकता हूं, रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास हमारे सामने है उसमें दक्षिणी का कहीं जिक्र नहीं है। चाहे वो नगेंद्र का इतिहास हो, चाहे वो बच्चन सिंह का इतिहास हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास हो, और रामचंद्र शुक्ल से आप शुरू करके देख लीजिए, बच्चन सिंह के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हम लोगों को उम्मीद जगी थी कि शायद इस दूसरे इतिहास को लिखते समय वो उस कड़ी को जोड़ दें। मैंने उनको पत्र लिखा कि इससे बड़ा मुझे कभी झटका नहीं लगा। आपको पुराने इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पड़ गई, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है।